Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वैसे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी 100% संभावना है. मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे जाने का पूर्णतः संभावना है. ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग को भी जवाब देना है प्रत्येक क्वेश्चन का. ओके तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन सर स्क्रीन पे लगाया जाए. ओके तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग समझते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर में द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस. अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द पेस फॉर लिविंग चैप्टर जो है पहला क्लास टेंथ का द पेस फॉर लिविंग बोल रहे हैं उसमें आरसी हचिंसन जो है डिस्कस करते हैं वर्णन करते हैं किस चीज के बारे में. एक हैप्पीनेस ऑफ मैन के बारे में या द एगोनी ऑफ मॉडर्न के बारे में मॉडर्न मैन के बारे में. तो जान लीजिए कि यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन. एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का मतलब होता है एक दुखद आदमी है ना उनके बारे में जो चिंतित आदमी होते हैं उनके बारे में. तो इसलिए एक का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर. क्या हो जाएगा एक का बी. चलिए दो नंबर में हम लोग देखते हैं. दो नंबर का कह रहा है इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए प्ले. पेस फॉर लिविंग में लेखक जो है प्ले देखा था नाटक देखा था. तो कहाँ देखे थे तो डबलिन में देखे थे. कहाँ देखे थे डबलिन में. तो दो का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा. दो का क्या हो जाएगा मैं जानबूझ के यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्लू से लिख दिया था तो हमको लगा कि चलिए अच्छा रहेगा इससे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा. ओके चलिए तीन नंबर में बोल रहे हैं इन द एसे इस एसे में किस एसे में द पेस फॉर लिविंग में द कॉर्न मर्चेंट इज. कॉर्न मर्चेंट एक क्या है तो एक एनेक्जियस मैन है. मतलब कि वह कैसा है मतलब कि जो इलर्ली कॉर्न मर्चेंट है दैट मीन्स कहने का मतलब कह रहा है द पेस फॉर लिविंग में जो कॉर्न मर्चेंट है जो अनाज के व्यापारी हैं वो क्या है मतलब कि दैट मीन्स क्या है उनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं. तो एन एम्बियस मैन है या फिर एन एनेक्जियस मैन है. तो एनेक्जियस मैन है मतलब चिंताओं वाले आदमी है वो एक चिंतित आदमी है. तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा तीन का बी हो जाएगा. चलिए चार नंबर हम लोग देखते हैं. चार नंबर का तो चार नंबर में कह रहा है व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट व्हेन टू मिस्टर विलियम्स ही वाज बर्निंग लिप्स. कह रहे हैं कि जब मी एंड द इकोलॉजी बीट में लेखक व्हेन टू मिस्टर विलियम मिस्टर विलियम के जब घर पे जाते हैं कौन लेखक तो ही वाज ही किसके लिए आया विलियम के लिए. तो विलियम क्या कर रहा था जब गौर से समझिएगा कि जब लेखक जो है मी एंड द इकोलॉजी बीट में मिस्टर विलियम के घर जाते हैं तो वो क्या कर रहे थे तो वो पत्तियां जला रहे थे. लिप्स क्या बर्निंग हो जाएगा यहाँ पे तो बर्निंग लिप्स हो जाएगा यानी कहने का मतलब डी हो जाएगा. चलिए पांच नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कह रहा है द अथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट यूज्ड टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट. कहते हैं मी एंड द इकोलॉजी बीट में है ना पर्यावरण से जो रिलेटेड चैप्टर है चैप्टर नंबर टू जिनके लेखक है जॉन लैगजू उनके बारे में बोल रहे हैं कि द अथर लेखक मी एंड द इकोलॉजी बीट यूज्ड टू मीट वे प्रयोग करते हैं यूज्ड मतलब प्रयोग करते हैं मीट मिल के क्या मिल के पीपल लोगों से एंड क्रिएट अवेयरनेस और वो अवेयरनेस मतलब क्रिएट करते हैं बताते हैं अबाउट किसके बारे में तो भाई इकोलॉजी के बारे में बताते हैं. तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं. इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बिल्कुल नहीं. इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी इकोलॉजी के बारे में बताते हैं. तो इसीलिए पाँच का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा. आगे हम लोग देखते हैं छः नंबर. छः नंबर में कह रहा है मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट मी एंड द इकोलॉजी बिट जो है वो बताते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट बताते हैं है ना किनके बारे में ऑल अबाउट ये बोल रहे हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट यह बताते हैं किसके विषय में पूरी तरह से किसके बारे में उपदेश देते हैं किसके बारे में बताते हैं उनका विषय क्या है मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट किसके बारे में चर्चा करते हैं किसके विषय में बताते हैं तो प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेस उसके बाद प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा बी प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ओनली दैट मींस उसी के बारे में उपदेश देते हैं. तो छः का बी. चलिए सात का भी बी है देख लेते हैं. सात का कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पैन. लेखक के अनुसार यानी गिल्लू के अनुसार स्टोरी के अनुसार गिल्लू चैप्टर के अनुसार स्क्वायरल गिलहरी का जो है जीवन काल कितने साल के होते हैं तो मात्र 2 साल के होते हैं ओनली. सात का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा. चलिए आठ का सी देखते हैं. कह रहे हैं गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग. गिल्लू कैसे आवाज़ निकालते थे अपने मुंह से तो चिक चिक का आवाज़ निकालते थे. तो इसलिए आठ का क्या आ जाएगा सी.
चलिए नौ का देखते हैं ए। नौ नंबर में कह रहे हैं इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड। कह रहे हैं कि इस स्टोरी में महादेवी वर्मा है ना गिल्लू वाज इंजर्ड, मतलब कि ये जो चैप्टर है कौन सा महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है गिल्लू, तो गिल्लू वाज इंजर्ड, गिल्लू को इंजर्ड किया गया था। दैट मीन्स इस स्क्वायरल को चोट जो घाव जो हुआ था इंजर्ड जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, तो दो कौवे के द्वारा हुआ था। कितने कौवे के द्वारा, दो। तो यहाँ पे तो दो नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पे क्रॉज लिखा है तो आप क्या लिखिए क्रॉज ही लिखिए, क्या लिखिए ए, यानी दैट मीन्स नौ का क्या हो जाएगा ए। चलिए दस नंबर का हम लोग देखते हैं, दस नंबर में क्या कहता है द ए से व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म इज टेकन फ्रॉम। यह जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म वह किस चैप्टर से लिया गया यानी किस बुक से लिया गया है ना, तो आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सॉरी 10 का, 10 का कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कितना सी। दैट मीन्स क्या आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, हम लोगों की फिल्म और उन लोगों की, दैट मीन्स कहने का मतलब हॉलीवुड और क्या बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर में अकॉर्डिंग टू द अथर, अथर के अनुसार विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अथर, अथर के अनुसार विच जो द फ्लोइंग निम्न में से है ना कौन चीज़ है जो कि कमांड्स करते हैं द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, तो भाई सिनेमा है, कौन है सिनेमा। दैट मीन्स इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 11 का सी ही होगा, 11 का क्या हो जाएगा सी होगा, क्या होगा सिनेमा। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर में कह रहा है इन विच ईयर है ना द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म, तो आपको हम पहले भी बताए थे 1907 में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस नोबल पीस प्राइज ऑल अबाउट द आइडल्स ऑफ, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिस, एरिस कौन थे आंग सान सू की के बेटा है ना, उनके अनुसार नोबल पीस प्राइज जो मिला था वो ऑल अबाउट उस विषय के बारे में बताते हैं है ना द आइडियल्स ऑफ क्या फ्रीडम पीसेस ह्यूमनिज्म डेमोक्रेसी, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, दैट मीन्स 13 का क्या हो जाएगा ह्यूमनिज्म को बताते हैं। ठीक आगे कहते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर, 10 दिसंबर 1900 कितना में, दैट मीन्स 1991 में ए हो जाएगा, कह रहे हैं एक्सेप्टेंस स्पीच जो है वो दिया गया था कब 1991 में। अकॉर्डिंग टू एसे, एसे के अनुसार एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, किसके लिए वो लॉन्ग स्ट्रगल किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लंबे समय तक संघर्ष किसके लिए किए थे, तो सी हो जाएगा पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पीस फ्रीडम एंड क्या डेमोक्रेसी के लिए उसने क्या किए थे झगड़े किए थे आज़ादी के लिए। टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर पीस साइंस लिटरेचर इकोनॉमिक्स, तो याद रखिएगा 16 का सी हो जाएगा लिटरेचर के क्षेत्र में, और टोनी मॉरिसन कहाँ के रहने वाली थी अमेरिका के रहने वाली थी, ये दुनिया की आठवीं और पहली काली महिला थी जिसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुई थी ओके लिटरेचर के क्षेत्र में। 17 नंबर का हम लोग देखते हैं कहते हैं इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वुमेन वाज विजिटेड, इस स्टोरी में किस स्टोरी में वंस अपॉन ए टाइम में जो है द वुमेन वाज विजिटेड बाय, वुमेन को विजिटेड किया गया था उस काली और मतलब अंधी औरत को बूढ़ी औरत को विजिटेड किया गया था किसके द्वारा, तो यंग लोगों के द्वारा, तो 17 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 17 का आंसर क्या हो जाएगा ए, दैट मीन्स कहने का मतलब सम यंग पीपल के द्वारा विजिटेड किया गया था। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबल प्राइज, तो पहली ब्लैक वुमेन, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अभी जस्ट हमने बताए थे दुनिया की पहली काली महिला और आठवीं महिला जिसे नोबेल प्राइज प्राप्त हुई थी। चलिए 19 नंबर का हम लोग देखते हैं कह रहे हैं अंडरलाइनिंग यूनिटी इज अंडरलाइंग लाइनिंग यूनिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ कहाँ इंडियन कल्चर, कहाँ के होंगे इंडियन कल्चर ही होंगे, तो क्या हो जाएगा 19 का बी, 19 का आंसर क्या हो जाएगा बी, चलिए इसको मिटा ही के लिखते हैं बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। चलिए 20 का देखते हैं, 20 नंबर में कह रहा है इंडियन कल्चर इज डैश फ्लेक्सिबल ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स नन ऑफ दिस, तो ब्लेंड ऑफ क्या मैनी कल्चर, ढेर सारे यहाँ पे कल्चर है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 21 का हम लोग देखते हैं इट इज डैश दैट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस है ना डिस्टिंग्विश द कल्चर ऑफ इंडिया एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, गौर से समझिएगा कहने का मतलब कह रहे हैं इट इज डैश द स्पेशली डिस्टिंग्विश है ना
द कल्चर ऑफ इंडिया एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो उसी चैप्टर से लिया गया है, किससे? हुमायूं कबीर से। तो बोल रहे हैं कि ये किस चीज को दर्शाते हैं, वैरायटी ऑफ रिलीजन्स को, यूनिटी ऑफ पीपल को, अनब्रोकन कंटिन्यूटी को, या कल्चरल वैरायटी को। तो याद रखिएगा 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट मीन्स ये दर्शाते हैं किनको, किनको दर्शाते हैं, तो अनब्रोकन कंटिन्यूटी को। कहने का मतलब कि यहाँ पे मुख्य तौर पर यदि यहाँ पे देखा जाए भाषा के आधार पर, है ना, यहाँ की संस्कृति को देखा जाए इंडिया, तो यहाँ पे ढेर सारे भाषाएं हैं ना, लेकिन as per the unity of Indian culture, तब पर भी यहाँ पे ये क्या है, मतलब एक यूनिटी है, पावर है, सब में क्या है, एकता है। तो ये जो कि टूटने वाला नहीं है, ये क्या नहीं होने वाला, अनब्रोकन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 21 हो गया। चलिए आगे हम लोग 22 देखते हैं। द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। दैट मींस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने नंबर, 23 नंबर में कह रहे हैं, बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन हैड, मतलब दोनों लड़कियां जो थी इस चैप्टर में, स्टोरी में, है ना, देन मैन हैड, मतलब दोनों के पास क्या था, तो दोनों के पास लाल रुमाले थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। चलिए 24 का हम लोग देखते हैं, 24 नंबर में कह रहे हैं, विच फेस्टिवल इज रेफर टू बाय द राइटर इन द स्टोरी लिटिल, मतलब लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन में किस मतलब त्योहार को मतलब रेफर किया गया था, तो किसको किया गया था, तो ईस्टर को किया गया था। तो इसीलिए 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए 25 नंबर हम लोग देखते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, तो गॉड मेड द कंट्री, गांव को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, और शहर को किसने बनाया, लोग ने, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, सी, टाउन। चलिए 26 का हम लोग देखते हैं, व्हाट हैज मेड द मैन आइडल, क्या चीज है जो इंसान को आलसी बनाते हैं, तो लग्जरियस लाइफ। तो यहाँ पे 26 का हम लोग देखें, लग्जरियस लाइफ है और कंफर्टेबल डिवाइसेस, ये भी होगा, बी हो जाएगा, कंफर्टेबल डिवाइस, मतलब जिनके अनुसार हम जो है मतलब एकदम आराम फरमाएं, वैसे उपकरण, डिवाइस मीन्स क्या होते हैं, उपकरण, वैसे उपकरण जिससे बैठ के हम क्या फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। चलिए 27 नंबर हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार, गॉड मेड द कंट्री, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स, कहाँ हम पाते हैं फील्ड्स एंड ग्रुप्स, मतलब कहाँ पे खेत और हम क्या पाते हैं, उपबने, तो कहाँ पाते हैं, तो भाई विलेज में पाते हैं, गाँव में पाते हैं, तो इसलिए 27 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 28 नंबर हम लोग देखते हैं, द हैप्पी मैन इज डैश टू बी ब्रीद हिज नेटिव एयर, जो हैप्पी आदमी है, जो खुशहाल आदमी है ना, डैश टू ब्रीद, मतलब कि कहाँ पे वो सांसें लेती है, मतलब अपने जन्मभूमि पे वो क्या लेते हैं, सांसें लेती हैं, वो संतुष्ट होते हैं, द हैप्पी मैन इज, है ना, तो यहाँ पर 28 का ए हो जाएगा, कंटेंट मीन्स क्या होते हैं, संतुष्ट, वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, है ना, कहाँ, अपने जन्मभूमि पे, जहाँ वो क्या उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वो क्या ले रहे थे, सांसें ले रहे थे, ओके। चलिए 28 समझ में आ गया, कंटेंट हो जाएगा। आगे है, द पोइट डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज, कह रहे हैं कि द पोइट डज नॉट वॉन्ट, लेखक कुछ नहीं चाहते हैं ना, एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज, क्या, ब्यूरेड सीटिंग्स हेडिंग लॉस्ट, तो 29 का हो जाएगा ए। दैट मीन्स कहने का मतलब वो बोल रहे हैं, लेखक वहां पे कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब कुछ भी उसकी चाहत नहीं है ना, उसकी कुछ भी चाहत नहीं है, वो बोलते हैं कि जब मैं मरूं तो मुझे आराम से नीचे क्या दफना दे, मतलब उसकी कोई चाहत ही नहीं, ठीक, तो 29 का क्या आ जाएगा, ए। चलिए 30 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं इन द पोएम, किस पोएम में, ओड ऑन सॉलिट्यूड, वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव, कह रहे हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड में जो कहा गया है कि वेयर इज द हैप्पी मैन, वे आदमी कहाँ है जो खुश हैं, है ना, कंटेंट, जो कि संतुष्ट होके टू लिव जी रहे हैं, वह आदमी कहाँ है, तो कहाँ होंगे, इन इन टाउन, इन हिज ऑन ग्राउंड, उसके बाद इन द हेवन, इन एन, है ना, ऑर्चर्ड, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 का बी हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स कहने का मतलब कि वो खुश हैं इन हिज ऑन ग्राउंड, मतलब जहाँ उनके जन्मभूमि है, जहाँ गांव है, वहाँ वो क्या है, खुश हैं और संतुष्ट हैं। ये दोनों चैप्टर मिलता जुलता है ना, गॉड मेड द कंट्री एंड ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओके। चलिए 31 नंबर का देखते हैं, ए पोलिथीन बैग डज नॉट गेट, एक पोलिथीन बैग जो है डज नॉट गेट, है ना, टर्न डिस्ट्रॉय डिजॉल्व, तो एक पोलोथीन बैग जो है वो कभी बर्बाद नहीं होते, यानी कुछ भी किया जाए वो डिस्ट्रॉय होते ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर का हम लोग देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ही बर्नड इट, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जब पोलोथीन बैग को जलाते हैं तो क्या होते हैं, तो उससे पंजमेंट स्मेल निकलते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक, तो व्हाट हैपेंस व्हेन ही बर्नड इट, तो क्या आ जाएगा, इट टर्न्स इनटू राख, नहीं बिल्कुल नहीं, इट गिव्स ए, है ना, पॉइजनस स्मेल, वो एक जहरीला क्या देते हैं, दैट मीन्स स्मेल देते हैं, दुर्गंध देते हैं, ओके।
33 नंबर हम लोग देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी लीव्स ए पॉलिथीन बैग ऑन द अर्थ, जब इसे अर्थ में छोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये भाई धरती को पोल्यूट्स करते हैं, है ना, क्या करते हैं, पृथ्वी को भी क्या करते हैं, पोल्यूट्स करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, ये पर्यावरण को दूषित करते हैं। राधाज फ्रेंड वेयर डैश अबाउट हर, राधाज फ्रेंड, राधा की जो दोस्त है, वेयर डैश अबाउट हर, उसके बारे में क्या उसे मतलब चिंताएं होती है या क्या होती है, तो भाई उसे क्या होती है, चिंताएं होती है, दैट मीन्स कहने का मतलब 34 का क्या हो जाएगा, बी, 34 का क्या हो जाएगा, बी, वरीड, उसे चिंताएं होती है, किनके बारे में, कि राधा, किस चैप्टर से लिया गया, थिनर देन ए क्रिसेंट बाय विद्यापति, है ना, उनके द्वारा लिखा गया, ठीक, जिसमें राधा जो है पतली होती जाती है, ओके। आगे 35 का देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं ओरिजिनली विद्यापति इज ए डैश पोएट, मुख्य रूप से देखा जाए तो विद्यापति किस चीज के लेखक हैं, तो विद्यापति किसके लेखक हैं, दैट मीन्स सी, दैट मीन्स कहने का मतलब मैथिली भाषा के वो ओरिजिनल में लेखक हैं। Whose problems are talked about in the poem Thinner Than a Crescent? कह रहे कि क्या समस्या है, किसको समस्या है ना, Whose problems are talked about in the poem Thinner Than a Crescent? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए, दैट मीन्स 36 का आंसर हो जाएगा ए, राधा। कह रहे Whose problems are talked about in the poem? किसके समस्या के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, थिनर देन एक रिसेंट के बारे में बताया गया है, तो भाई राधा के बारे में बताया गया है, ओके। आगे हम लोग चलते हैं 37 नंबर, इन द पोएम द एम्पिटी हर्ट, है ना, एम्पिटी हर्ट, जिसमें लोभ वाला बात जो होता है, बहुत मस्त पोएम, आप लोग जाके देखिए, हम पढ़ा दिए सारा चीज, पढ़ा दिए चैप्टर, पढ़ा दिए, आप जाके देखिए। इन द पोएम द एम्पिटी हर्ट, टू हुम डिड द मैन मैन बिड गुड बाय, मतलब कि किस चीज को वो मतलब गुड बाय कर देते हैं, तो सब चीज को कर देते हैं, अपने माँ को, वाइफ को और बच्चे को, तो 37 का डी हो जाएगा। मतलब कि देखो, वो जब उनके पास जाते हैं ना, वृक्ष के पास मांगते हैं, तो वो सात घड़ा भरा हुआ तो देते ही सोना का, एक आठवां भी दे देते हैं, आधा घड़ा हुआ, मतलब आधा भरा हुआ घड़ा दे देते हैं, तो उसके भरने के चक्कर में वो पूरा मतलब समय लगा देते हैं, माँ, पत्नी, बच्चा सबको भूल जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 37 का डी। अच्छा, आप लोग अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तमाम क्वेश्चन का, तो आप लोग बोर्ड मंत्रा, क्या बोर्ड मंत्रा डॉट, है ना, मंत्रा, बोर्ड मंत्रा, ठीक, बोर्ड मंत्रा सर्च करके आप लोग वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, दैट मींस कहने का मतलब वहां पे जाके इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कितने नंबर, 40 नंबर में, ठीक, 40 नंबर का देखते हैं, ठीक, 39 हो गया, 40 नंबर का हम लोग देखते हैं, कहते हैं हाँ, तो ये तो पूरा बताए ही नहीं, ओहो ए भगवान, ठीक, 37 का डी हो गया, 38 होगा, 38 सॉरी 38 होगा, ठीक, तो 38 में कह रहा है, ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट, ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट, कहते हैं देखिए, लालच जो है, लालच, यानी 38 का क्या हो जाएगा डी, लालच जो है वो एंडलेस है, क्या है, लालच जो है क्या है, एंडलेस है, बट लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ 38 में ये एंडलेस मतलब कि खत्म होने वाली, लालच क्या है, सॉरी, लालच कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। एंडलेस का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले, लालच एक ना एक दिन मतलब बढ़ते जाता है एक पर एक, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन लाइफ के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। 39 नंबर में, हु हैज रिटन द पोएट द एम्पिटी हर्ट, तो एम्पिटी हर्ट के लेखक कौन है, तो भाई बहुत ही बेहतरीन लेखक है, जिसका नाम है पेरिसोनी थोरन, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा, सी, ओके, पेरिसेमी थॉरन, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 40 नंबर, 40 नंबर में कह रहे हैं, द डैश ऑफ ऑल, द डैश ऑफ द कोयल हैज बीन चार्ज्ड बाय द फायर ऑफ लव, मतलब कि कौन सी वो चीज है, कोयल को जो चार्ज रखते हैं ना, उनकी मतलब चार्ज रखते हैं बाय द फायर ऑफ लव, मतलब प्यार की आग जो है उसे क्या करते हैं, मतलब जलाते हैं, कौन सी चीज, गौर से समझिएगा, तो 40 का क्या हो जाएगा, विंग्स, किस चीज को, तो पंख को, गौर से फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा, द विंग्स ऑफ, यहाँ पे सी होगा, इसको देखिए मिलाते हैं, द विंग्स ऑफ द कोयल हैज बीन चार्ज्ड बाय द फायर ऑफ लव, मतलब कि प्यार की आग जो है उसे चार्ज रखते हैं, और वही के वजह से उसके पंख क्या है, मतलब जले हैं, मतलब प्यार की आग के वजह से, किसके वजह से, प्यार की आग के वजह से, कोयल चैप्टर में, ओके। आगे कह रहे हैं 41 नंबर में, व्हाई इज द बर्ड सो रेस्टलेस, बर्ड जो है वो रेस्टलेस क्यों है, बेचैन क्यों है, तो भाई उनके प्रेमिका उनके पास नहीं है, तो 41 का दैट मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी, बिकम दे आर, सॉरी 41 का यहाँ पे क्या है, बिकॉज द बर्ड हैज नो शेल्टर टू लिव एंड सिंग
because they are hard working, they are travelers in habit, या none of these. तो 41 का क्या है, ए है, यहाँ पर आंसर इसका गलत है, ए बिल्कुल भी नहीं होगा. 41 का आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा because the bird has no shelter to live and sing. बिल्कुल नहीं, वो बेचैन इसलिए है कि इसमें कुछ दिया ही नहीं है ना, they are hard working, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर none of these होगा. 41 का क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि वो अपने beloved के लिए वो क्या है, बेचैन है. क्या है, बेचैन है. आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना 41 के बाद हम लोग चलते हैं 42 में. ओके, 42 नंबर में कह रहा व्हाट चार्ज, ओह यहाँ पे चार्ज लिखना था, है ना, चेयर्स लिख दिए, व्हाट चार्ज द ककू विंग्स. ओके, तो द फायर ऑफ लव अभी जस्ट ऊपर में बनाए थे हम लोग, ठीक. तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. चलिए 43 नंबर हम लोग देखते हैं, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, माउंटेन को कौन चैलेंज कर रहे थे, तो पॉटर कर रहे थे, कौन कर रहे थे, पॉटर. तो द पॉटर कूली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी. आप लोग पढ़े होंगे लास्ट में कूली जो क्या कर रहे थे, माउंटेन को चैलेंज कर रहे थे. लाइक ए बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम, यह जो लाइन लिया गया है, लाइक ए बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम, यह किस चैप्टर से लिया गया, तो द स्लीपिंग पॉटर से लिया गया है. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है का मतलब 43 तो हो ही गया ना, हाँ ये होगा 44, तो 44 का हो जाएगा सी. 44 का क्या हो जाएगा, सी, इसको मार देते हैं, ठीक. 44 का क्या हो जाएगा, सी. 45 में कह रहे हैं जबरा वाज हल्कूज, जबरा जो था हल्कू का क्या था, तो एक कुत्ता था. तो 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक कुत्ता था. 46 का हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाय, हल्कू और मुन्नी क्या चीज खरीदने के लिए पैसा बचा रहे थे, तो ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बोले तो कंबल खरीदने के लिए. हल्कू एंड मुन्नी वेयर ऑलवेज इन, हल्कू और मुन्नी जो है हमेशा क्या करते थे, डिबेट करते रहते थे. क्या करते रहते थे, डिबेट, दैट मीन्स मतलब एक दूसरे से बातचीत करते रहते, मतलब झगड़ते टाइप के रहते थे, ठीक. आगे कहते हैं एलर्जेंस आर ऑफ डैश टाइप्स, एलर्जेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो 48 का ये ए याद रखिएगा, एलर्जेंस के कितने, दो टाइप्स होते, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स. आगे हम लोग देखें ए पर्सन, गौर से समझिएगा, ए पर्सन हैज टू बी एक्सपोज टू द पर्टिकुलर डैश फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट, मतलब कि एक आदमी को अक्सर, मतलब वो एक्सपोज, मतलब वो बढ़ा, मतलब कहने का मतलब ए पर्सन हैज टू बी एक्सपोज टू द पर्टिकुलर डैश फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट, मतलब कहने का मतलब गौर से समझिएगा. 49 का यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, ठीक. एलर्जेन मतलब कुछ आदमी का जो है, मतलब कुछ आदमी को जब हो जाता है तो वो छुपाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो एक्सपोज होते हैं पर्टिकुलरली, जब दिखने लगते हैं तब जाकर वो चर्चा भी करते हैं, ठीक. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा. चलिए 50 नंबर का हम लोग देखते हैं, द पथ ऑफ डैश पथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज widely referred to as the allergy march. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, that means C, यहाँ पे direct, the direct path of allergy. क्या हो जाएगा, C. तो ये हमारे क्या थे, 50 के थे, और फिर से इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगे सर खत्म अच्छा से नहीं किए. The डायरेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, द डायरेक्ट पथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर्ड टू एज द एलर्जी मार्च. जो डायरेक्ट मतलब जो रास्ता होते हैं एलर्जी का, जब धीरे धीरे उसमें विकास होने लगते हैं तो उसे रेफर्ड किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, एलर्जी मार्च के नाम से जाना जाता है. तो आप लोग को बताना है कि वीडियो कैसा लगा, नीचे जरूर कॉमेंट कीजिएगा. और सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.